मैं अरविंद कुमार, पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज चांदपुर, पुनः आप लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ, जो है मृदा, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, मृदा क्या है? मृदा जो है एक जो है नवीकरणीय योग्य जो है संसाधन है। यह एक जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो है जीवों को जो है आधार प्रदान करते हैं। मृदा जो है का निर्माण जो है जलवायु, उच्चावच, स्थलाकृतियाँ इन और समय, ये जो है महत्वपूर्ण कारक हैं जिनसे जो है मिलकर मृदा का जो है निर्माण होता है। मृदा से ही जो है जीव जंतुओं और जो है जीव जंतुओं को जो है को आधार प्रदान करती हैं। अब हम जो है मृदा संसाधन या मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मृदाओं का जो है वर्गीकरण, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदाओं का वर्गीकरण जो है भू आकृतियाँ, वनस्पतियाँ, इन सब चीज़ों के आधार पर हमारे यहाँ जो है अनेक प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। सबसे पहले जो है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है नदियों के द्वारा लाई गई जो है मिट्टी से होता है। जलोढ़ मृदा हमारे जो है भारत के जो है सबसे बड़े क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हमारे देश का उत्तरी मैदानी भाग इन्हीं जलोढ़ मृदाओं से बना हुआ है, जो हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों से निर्मित है। और इसके साथ साथ हमारे जो है देश के जो है पूर्वी तटीय क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में जो है दो प्रकार की, एक तो खादर और बांगर, दो प्रकार की मृदाएं हैं, खादर और बांगर। खादर जो नई जलोढ़ मृदा है उसको जो है खादर कहा जाता है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। बांगर जो पुरानी जो है जलोढ़ मृदा है उसको जो है बांगर कहते हैं, ये खादर की अपेक्षा जो है कम उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा जो है बहुत ही उपजाऊ मृदा है जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो है फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना है, गेहूं है, चावल है, अन्य दूसरे अनाज उगाए जाते हैं। इन जो है हमारे जो है देश का जो है सबसे अधिक कृषि का कार्य यही जलोढ़ मृदा में किया जाता है। इन उपजाऊ क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अब दूसरी आते हैं, दूसरी मिट्टी जो है काली मिट्टी के बारे में, काली मृदा। काली मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप लावा के ठंडा होने से काली मृदा का जो है निर्माण होता है। काली मृदा को जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इस जो है मृदा में कपास की खेती अच्छी की जाती है, इसलिए इसको कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा में जो है नमी धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। गर्म और शुष्क जो है मौसम में इस मिट्टी में जो है बड़ी बड़ी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे जो है इसमें वायु जो है अधिक गहराई तक पहुंच जाती है। हमारे देश में जो है दक्कन के पठारी क्षेत्रों में जो है इसके साथ साथ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी में, पुनः बता दें आपको, इस काली मिट्टी में जो है कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसको जो है कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरी मृदा लाल और पीली मृदा,
लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा जो है दक्षिण पठार के जो है दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में जो है रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है लाल और पीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा जो है छत्तीसगढ़ मध्य गंगा और जो है मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लाल और पीली मृदा का निर्माण जो है दक्षिणी क्षेत्रों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अगली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे जो है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा लैटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर से बना हुआ है, जिस लेटर का अर्थ होता है ईंट। यह मिट्टी जो है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च वर्षा और जो है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में लैटराइट मृदा पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमरस की जो है कमी होती है, जिससे जो है इस मृदा में रासायनिक खादों का प्रयोग करके अधिक जो है खेती की जा सकती है। इसके साथ साथ ये मृदाएं जो है केरल तमिलनाडु कर्नाटक मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब अगली मृदा के बात करेंगे जो है मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा को रेगिस्तानी जो है मृदा भी कहते हैं। ये जो है मृदा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में जो है नमक की मात्रा अधिक होती है, तो इन क्षेत्रों में जो है पानी को वाष्पित करके नमक जो है खाने का नमक तैयार किया जाता है। यह मृदा हमारे देश के जो है राजस्थान में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। इस मृदा में जो है अब राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है आधुनिक तकनीकों को अपनाकर जो है इसमें खेती करना प्रारंभ किया गया है। इस मरुस्थली मृदा में कम वर्षा के कारण जो है कटीली झाड़ियाँ जो है उगती हैं अब अगली मृदा की बात करेंगे तो अगली मृदा आती है जो है पर्वतीय मृदा। ये मृदाएं जो है मुख्य रूप से पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन जो है जहाँ पर जो है पर्याप्त वर्षा वन उपस्थित हों इन मृदाओं के गठन में जो है पर्यावरण का जो है विशेष महत्व होता है। इन पर्वतीय मृदाओं में जो है ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से आज हमने जो है चर्चा की मृदा संसाधन, फिर मृदा संसाधन का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और जो है मरुस्थलीय मृदा। बस आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।